वेलकम बैक टू गाइस टेक्निकल संजय। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक्निकल संजय में। दोस्तों मेरा नाम है संजय, मैं आपका चैनल का होस्ट एंड दोस्त। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम बात करते हैं आज क्या नया सीखने वाले हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A80 के बारे में। दोस्तों आपने हाल ही में सुना होगा कि सैमसंग गैलेक्सी A70 लॉन्च होने वाला है, A50 लॉन्च होने वाला है, लॉन्च हो चुका है दोस्तों, और A30 भी यूज़ कर रहे हैं काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर्स और मेरे दोस्त। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A80 के बारे में। A80 में ऐसे क्या स्पेसिफिकेशन है कि आपको अपना पुराना फ़ोन चेंज करने पर मजबूर कर सकता है, या फिर आप वेट कर रहे थे एक ऐसे फ़ोन के बारे में लॉन्च होने की कि आपको कोई ऐसा बजट फ़ोन लॉन्च हो और आप उसकी तरफ बढ़ सकें और आप उसे ले सकें। तो दोस्तों बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A80 के पूरे फीचर्स के बारे में, कैसा होगा इसका कैमरा रेजोल्यूशन, कैसा होगा इसका बैटरी बैकअप, और हमें कैसी स्क्रीन मिलेगी, कौन सा हमें एंड्रॉइड का फीचर मिलने वाला है, क्या हमें प्रोसेसर मिलेगा, ये सारी डिस्कशन हम सारी करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को पूरा देखना दोस्तों ताकि आपको पूरे स्पेसिफिकेशन डिटेल में पता लगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों शुरू करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A80 के पूरे फीचर्स के बारे में। अब पहली बात करेंगे सबसे पहले इसके एंड्रॉइड फीचर्स के साथ। एंड्रॉइड मिलेगा हमें 9.0, जिसे हम बोलते हैं पाई, और सैमसंग में साथ में मिलता है सैमसंग का UI 1। सैमसंग का UI 1 लॉन्च हो चुका है दोस्तों। अब हमें सैमसंग को प्रॉब्लम नहीं देखने मिलेगी जो उसका यूजर इंटरफेस हमें परेशान करता था। अब सैमसंग 1 आ चुका है, UI इसका काफ़ी ऑप्टिमाइज है, काफ़ी अच्छा है, और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फोन चार्जिंग के टाइम पर, बैटरी बैकअप जल्दी से ख़त्म हो जाता था और पूरा दिन फोन अच्छे से चल पाएगा, क्योंकि उसने काम किया है अपने UI पर और साथ में अपनी बैटरी भी काफ़ी हद तक आपको उसके अच्छे MAH मिलने लगे हैं। मतलब कि जहाँ मिलती थी 3000 mAh की बैटरी, अब हमें मिलने लगी है 3500 से लेकर 4500 mAh तक की बैटरी। तो दोस्तों ये तो काफ़ी अच्छा काम कर दिया। बात करते हैं इसमें कैमरा क्या मिल रहा है। कैमरा में मिलेगा 48 megapixel का कैमरा मिलेगा, मतलब 48 megapixel कैमरा अब तक हमें सिर्फ कुछ चाइनीज फ़ोन में देखने को मिलता था। अगर बात करता हूँ इस फ़ोन के बारे में तो ये फ़ोन सैमसंग का हमें फ़ोन मिल रहा है साथ में 48 megapixel कैमरा, जो सैमसंग ने भी लॉन्च करने की तैयारी कर दी 48 megapixel के कैमरे के साथ, और साथ में हमें इसमें डेप्थ सेंसिंग के लिए 8 megapixel कैमरा मिलेगा और TOF कैमरा मिलेगा, 3D कैमरा होता है जो कि काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन प्रोड्यूस करके दे रहा है हमें, और हमें इसमें 4K रिकॉर्डिंग भी मिल रही है विद 30 fps एंड फुल HD रिकॉर्डिंग मिलती है 60 fps में, और ये फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं इस फोन के। अगर बात करें कैमरे से लेकर और इसके रेजोल्यूशन मिल रहा है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है उसको, सुपर एमोलेड डिस्प्ले 6.7 inch की डिस्प्ले के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले मिल रही है, मतलब विविड डिस्प्ले मिलेंगे। गेमिंग खेलने का शौक है तो विविड डिस्प्ले के साथ आप गेमिंग भी खेल पाएंगे, क्योंकि स्नैपड्रैगन मिल रहा है 675 नहीं दोस्तों, स्नैपड्रैगन 675 नहीं मिल रहा है, ये हो गया छोटा। अब मिल रहा है हमें स्नैपड्रैगन 730 मिलेगा, स्नैपड्रैगन 730 हमें देखने को मिल रहा है जो कि 7 सीरीज का प्रोसेसर है। बात करें 7 सीरीज के प्रोसेसर, सारे ही 7 सीरीज के प्रोसेसर काफ़ी अच्छे प्रोसेसर कहलाएंगे जब ये लॉन्च हो जाएंगे पूरी तरह मार्केट में। अभी हमें सिर्फ कुछ ही फ़ोन में ये प्रोसेसर देखने को मिल रहे हैं, तो स्नैपड्रैगन 730 हमें मिल रहा है हाई एंड गेमिंग में, नहीं तो 800 सीरीज के सामने बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। 600 सीरीज के प्रोसेसर के सामने बात करें तो काफ़ी अच्छे प्रोसेसर होते हैं 700 सीरीज के, इनका जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है 2.2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर हमें देखने को मिल रहा है। साथ में जो वेरिएंट लॉन्च होगा दोस्तों 8 GB का वेरिएंट भी लॉन्च होगा और 6 GB का वेरिएंट भी लॉन्च होगा, 128 GB का इंटरनल स्टोरेज के साथ आप काफ़ी सारे गेम इंस्टॉल कर सकते हैं, काफ़ी सारे वीडियोस सेव कर सकते हैं, काफ़ी सारे इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स हमें इस फोन में देखने को मिल रहे हैं विद 6.7 inch का डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है दोस्तों, विविड डिस्प्ले देखने को मिलेगा जैसा कि मैंने आपको बताया, और वाटर ड्रॉपलेट डिस्प्ले इसका काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर है, वाटर ड्रॉपलेट डिस्प्ले जैसे कि हमें सारे फोन में देखने को मिल रहा है। अब तक 2019 के जितने भी फोन लॉन्च हुए हमें मिल रहे हैं वाटर ड्रॉपलेट डिस्प्ले, तो वाटर ड्रॉपलेट डिस्प्ले मतलब नॉच का जमाना खत्म दोस्तों। एक जमाना जब ट्रेडिशनल फोन हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद नॉच आया, नॉच के बाद हमें मिल रहा है वाटर ड्रॉपलेट डिस्प्ले, तो वाटर ड्रॉपलेट डिस्प्ले में हमें तो भी स्क्रीन फुल मिल रही है 6.7 inch के साथ, और साथ में सुपर डिस्प्ले मिलेगा, कैमरा मिलेगा 48 megapixel का, और मेन कैमरा जो मिल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, 3D कैमरा है एंड पॉपअप सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल रहा है। मतलब पॉपअप सेल्फी कैमरा जो हमें वीवो में देखने को मिला था, जिन लोगों को वीवो हो सकता है नहीं पसंद दोस्तों,
काफ़ी ऐसे हमारे दोस्त हैं जिन्हें वीवो पसंद नहीं आता है या वीवो की ब्रांडिंग पसंद नहीं आती है, तो मैं बात करता हूँ ये सैमसंग की, जिन्हें वीवो के सामने सैमसंग काफ़ी पसंद आता है तो उसके सामने बात करते हैं। तो अब सैमसंग ने भी निकाल दिया है विद सेल्फी कैमरा विद मोटराइज इफेक्ट के साथ होगा दोस्तों। मोटर मतलब कि अंदर उसके अंदर एक छोटी सी मोटर लगी होती है दोस्तों, जैसे आप पुश करते हैं कैमरे की तरफ तो आपका जो सेल्फी कैमरा है ये बाहर निकल के आता है मोटर के थ्रू, सो दैट इज़ कॉल्ड अ मोटराइज सेल्फी कैमरा। तो जिसका सेल्फी कैमरा है ये TUF कैमरा होगा जो कि काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा वाइल टेकिंग पिक्चर्स एंड इमेजेस एंड स्नैपशॉट्स और वीडियोग्राफिकली काफ़ी अच्छा सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है। एंड्रॉयड 9.0 पर हमें इसमें OS मिल रहा है। साथ में हम बात करें दोस्तों इसकी सैमसंग के UI की तो काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है और साथ में हमें मिल रहा है बैटरी, तो 3700 mAh की बैटरी भी देखने को मिल रही है। 3700 mAh की बैटरी मिल रही है, 3700 mAh की बैटरी से हमें पूरा दिन निकल जाता है। 25 W का हमें फास्ट बैटरी चार्जिंग भी मिल रही है, तो 25 W का फास्ट बैटरी चार्ज काफ़ी अच्छा चार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फोन जो हमारे 18 W 15 W और 20 W के चार्जर हमें देखने को मिलते थे। मतलब कि आपका फ़ोन सिर्फ 30 मिनट में 50% बड़े आराम से हो जाएगा, होपफुली 75% हो जाए। इट इज़ नॉट टेस्टेड येट सो आई एम नॉट एबल टू गिव यू अ कन्फर्मेशन दोस्तों कितना चार्ज हो जाएगा, बट हाँ 50% बड़े आराम से 30 मिनट में चार्ज हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छे फ़ोन के इसके स्पेसिफिकेशन। अब इसके अदर तो दोस्तों हमें मिल रहा है इसमें 25 W का चार्जर, जैसे कि मैंने आपको बताया 3700 mAh की बैटरी भी मिल रही है, तो 3700 mAh की बैटरी हमें काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस करती है बैटरी में, पूरे दिन का बैटरी हमारा आराम से निकल जाता है। और अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 730 सीरीज़ का हमें प्रोसेसर मिलेगा और 618 हमें एड्रीनो GPU मिलता है जो कि ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट होती है जो कि काम करती है वीडियोग्राफिक के लिए। साथ में हम वीडियो देखते हैं तो उसमें काम करता है, हमारा GPU हेल्प करता है हमें जब हम अच्छे गेम्स खेलना पसंद करते हैं। तो 128 GB का वेरियंट लॉन्च होगा, 256 GB का होपफुली हो जाए तो बहुत मज़ा आ जाए, क्योंकि जो ये फोन जिस प्राइस रेंज में लॉन्च हो रहा है तो काफ़ी अच्छा प्राइस रेंज होगा। होपफुली ये प्राइस रेंज होगी इसकी 40,000 के आसपास, समवेयर अराउंड 40,000 की इसकी प्राइस रेंज होगी, 40,000 to 45,000 के बीच में इसकी प्राइस लॉन्चिंग हो सकती है। देर इज़ नो येट कन्फर्म ऑफिशियली दोस्तों, कोई कन्फर्मेशन नहीं है अभी कि इस प्राइस रेंज पर लॉन्च होगा, बट येस दिस विल बी लॉन्चिंग इन दिस प्राइस रेंज दोस्तों। अगर आपको इसकी स्पेसिफिकेशन पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि आपको इसके स्पेसिफिकेशन कैसे लगते हैं, और अगर आप फोन को परचेज करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जब ये फोन लॉन्च होगा तो दोस्तों। लेकिन मैं उससे पहले ये बताना चाहता हूं आपको, अगर आपको उसकी वीडियो का स्पेसिफिकेशन आपको कोई भी इसका स्पेसिफिकेशन अच्छा नहीं लगता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके बताएं, और आपको कैसा लगता है इसके कैमरा और उसको कैसा लगता है स्क्रीन रेजोल्यूशन, आपको कैसे लगे इसके सारे स्पेसिफिकेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे फिर से ऐसी टेक्निकल वीडियो अपडेट के साथ। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, जय हिंद एंड वंदे मातरम।